हेलो गाइस, आज अपन DGPay का वेब वर्जन देखते हैं। इसमें सुविधा बहुत सारी आ गई है। अपन पहले लॉगिन करते हैं इसको। इसमें लॉगिन करने के लिए अपनी CSV ID और जो अपनी CSV ID का पासवर्ड है वही लगेगा। इसमें 7 अपन कैप्चर डालते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर अपन अपन OTP पहुंचाने के लिए इसमें मोबाइल, ईमेल अपन क्लिक करेंगे, मोबाइल पे करते हैं। OTP आएगा जो अपने CSV में OTP आता है 0। ये लॉगिन हो चुका है। इसमें सुविधा बहुत सारी आ गई है। APS सर्विस में आपको पता ही है जो अपने DGPay में पहले था वैसा, मगर ये बहुत फास्ट काम करता है। एक केस आउट का है, मिनी स्टेटमेंट और ये बैलेंस इंक्वायरी। इसमें पहले अपन देखते हैं, इसमें पहले सबसे पहले निकालने से पहले इसमें अपना थंब लगेगा। यहाँ कैप्चर के लिए अपन करते हैं, ये अपना कैप्चर हो गया है DLE। इसमें केस आउट का है, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, ये इसमें सुविधा बढ़ चुकी है। कैश डिपॉजिट इसमें बैंक प्लेट, आधार नंबर और यहाँ मोबाइल नंबर कस्टमर का, और यहाँ अमाउंट डाल के आप इस पर क्लिक करोगे तो आप पैसे निकाल लेंगे। इसमें डिपॉजिट का भी हो गया है, अभी शायद चालू नहीं हुआ। इसमें कैश डिपॉजिट DGPay लाइट में चालू हो चुका है। आप यहाँ से मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। इसके बाद इसमें सुविधा ये बढ़ गई है, और इसमें DSP वॉलेट टॉप ऑफ, और इसमें पे आउट जो CSV में अपना अकाउंट लिंक है उसमें ही जाएगा। यहाँ पे आप IMPS कर सकते हो, NFT कर सकते हो। इसमें दोनों सुविधा है। इसमें DGPay लाइट में जो सुविधा है वो DGPay में नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा अकाउंट नहीं लग पा रहा है। जो तो अपने CSV में है वही लगेगा। और इसमें पासबुक है, इसमें अपन देख सकते हैं हमने जो दिन भर का ट्रांजेक्शन जो भी किया, जो आज मैंने किया था 1200 रुपये का ट्रांजेक्शन वो दिखा रहा है। 1200 रुपये 4 रुपये 72 पैसे मिला, मगर इसमें 24 पैसे माइनस भी हो गया है। तो मुझे इसमें 1200 रुपये 4 रुपये 48 पैसे का कमीशन मिला। आज पहला ट्रांजेक्शन था मेरा, देखिए आज 14 तारीख सितंबर 9:00 पे हुआ था। इसमें सुविधा बहुत सारी चालू हो गई। मोबाइल इसमें रिचार्ज की भी सुविधा चालू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल और जो रेंट हाउस है उसका भी है। इसमें ट्रेन का भी हो गया है, ट्रेन टिकट अभी चालू नहीं हुई है, ये वेटिंग में है, तो चालू हो जल्दी हो जाएगी। इसमें एरोप्लेन, बस टिकट, होटल और ये फाइनेंस की सुविधा भी इसमें बहुत सारी कर दी गई है। फाइनेंस करवा सकते हैं अपन इससे, इंश्योरेंस ये वो। इसमें नेपाल मनी का भी दिया है, अपन मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं।
और इसमें सर्विस भी है, पैन कार्ड की भी दी है, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी सुविधा इसमें बढ़ा दी है। अभी चालू बहुत सारी सुविधा हुई नहीं है, इसमें होना है, मगर अभी इसमें खाली बैंक का ही चालू है, एपीएस और पासबुक यही चालू है, बाकी सुविधा इसमें सब चालू होने वाली है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये न्यू वर्जन है। वो डीजी पे जो अपन ऐप से चलाते थे पीसी या मोबाइल में, उसका और इसका दोनों अलग अलग है, उसका अपन बैलेंस अलग है और इसका अलग रहता है। अच्छा है, बढ़िया है ऐप, ठीक है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, जैसे इस पे आती है कोई अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे डीजीपे में, ये वेब वर्जन, जैसे भी इसमें सुविधा आएगी तो हम आपको सचेत करते रहेंगे। इसी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम इस पे नोटिफिकेशन जारी रखेंगे, ठीक है।